हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री का बयान, जल्दी राजस्थान की सरकार गिरने वाली है। राजस्थान सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज प्रदेश भर में सरकार के मंत्री एवं अधिकारी 2 साल की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में भी राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी एवं बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिशोई शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा सरकार की 2 साल की उपलब्धियां जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे। लेकिन उससे पहले बाड़मेर जैसलमेर सांसद एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भारतीय किसान मजदूर संघ के एक कार्यक्रम में भाग लेने बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, लेकिन मुझे तो जश्न मनाए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो सरासर झूठे साबित हुए। उन्होंने किसानों के ऋण को माफ करने, युवाओं को रोजगार देने का वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी वो बिल्कुल झूठी साबित हुई। वहीं राजस्थान में इन दिनों कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो पिछली भाजपा की सरकार की योजनाएं थी, ये सिर्फ उन योजनाओं का नाम बदलकर काम कर रही है और उन्हें योजनाओं का फीता काट कर खुश हो रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने इन 2 सालों में एक काम जरूर किया, वो है अपनी सरकार बचाना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में इन दिनों आपसी फूट चल रही है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार गिरने वाली है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, इन्होंने ये कहा, जश्न मनाने जैसी तो उनके कोई मुझे ऐसी विशेषता दिखी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो तो ये पूरा कर नहीं पाए। इन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने युवाओं से कहा था कि हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन एक भी किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। इसलिए झूठ मूठ की सरकार है। और इन्होंने आज देखा होगा इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। बहन बेटियां रात को घर से बाहर निकल नहीं सकती, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने तो सिर्फ विकास के नाम पर, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके समय में जो काम किए हुए हैं, उन कामों के फीते काटना या उनका उद्घाटन करना, इसके अतिरिक्त इन्होंने कोई नया काम भी प्रदेश के अंदर सैंक्शन नहीं करवाया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।